हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडिशा टेक, द अल्टीमेट चैनल फॉर ऑनलाइन लर्निंग। होप आप सब अच्छे हैं। तो आज मैं आपको कुछ वर्क के बारे में बताने नहीं जा रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का यहाँ पे डाउट है कि ऑनलाइन स्क्रीनशॉट कैसे बनाया जाए। मतलब अगर आप स्क्रीनशॉट भी बनाते हो तो इसका जो है ऑनलाइन लिंक जो है वो कैसे जनरेट करना पड़ेगा आपको, तो इसके रिगार्डिंग मैं एक वीडियो आपके लिए बनाने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो ये वाला मैं पहले मोबाइल फ़ोन में करके दिखाया था, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर आप कोई साइट में काम कर रहे हो, माइक्रो वर्कर में काम कर रहे हो, पिक वर्कर्स में काम कर रहे हो, तो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो अगर आप डेस्कटॉप में देखोगे तो डेस्कटॉप में ऑनलाइन स्क्रीनशॉट बनाने का बहुत सारा तरीका है। आप डायरेक्टली भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपका जो डेस्कटॉप का जो कीबोर्ड से भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं जो बताने जा रहा हूँ आपको, बहुत ही आसान सा तरीका आपको बताने जा रहा हूँ, जहाँ पे कि आपका ऑनलाइन और फिजिकल मोड दोनों ही मोड में आपका स्क्रीनशॉट एक साथ जनरेट हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए। पहले तो पहले मैं जाता हूँ क्रोम का एक दूसरा टैब में जाते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं लाइट शॉट। देखिए आ गया लाइट शॉट एक्सटेंशन क्रोम। ये बहुत ही अच्छा सा टूल है, आपको पहले मिल जाएगा यहाँ पर लाइट शॉट एक्सटेंशन टूल, जो कि एक एक्सटेंशन है। इजीली इसको यूज करके आप कोई भी स्क्रीनशॉट बना सकते हो। तो इसमें आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आर टू क्रोम कर देना है। यहाँ पे देखिए आर टू क्रोम ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, तो आप गूगल में सर्च करने के बाद आपको आर टू टूल सिंपल कर देना है यहाँ पे। तो आर एक्सटेंशन कर दीजिए अभी। तो देखिए अभी ये वाला एक्सटेंशन आपका जो डेस्कटॉप में आर हो जाएगा। एक देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, देखिए लाइट शॉट स्क्रीनशॉट टूल हैज बीन एडेड टू क्रोम। तो यहाँ पे हो गया, देखिए एक सिंबल सा यहाँ पे आ रहा है। देखिए यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे सिंगल आपका आ रहा है। तो अभी स्क्रीनशॉट कैसे लेना है मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो आप अगर ये सपोज मैं ये वाला पेज का स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूँ, तो सिंपली मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, देखिए ये जो स्क्रीनशॉट के ऊपर क्लिक कर लेते हैं इसके, देखिए। लेकिन ये वाला स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपका जो है इंटरनेट कनेक्शन होना जरूरी है, क्योंकि आपका जो स्क्रीनशॉट जनरेट होता है वो ऑनलाइन में क्लाउड में सेव होता है। अगर कोई लिंक में इसको ओपन करना चाहेगा तो डायरेक्टली भी ओपन कर सकता है और फिजिकली भी ये हो सकता है। तो अगर आप लाइट एक्सटेंशन को क्लिक करेंगे यहाँ पे, देखिए ये ऐसा थोड़ा डार्क आ रहा है और यहाँ पे लिख रहा है कि सिलेक्ट द एरिया। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, माउस को यूज करके आपको कोई भी एरिया सिलेक्ट करना है जिसका कि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो। सपोज मैं ये वाला स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूँ इतना सा। ये प्रूफ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, माइक्रो वर्कर्स में कभी कभी स्क्रीनशॉट देने के लिए बोलता है और स्क्रीनशॉट का अटैचमेंट भी नहीं होता है, तो इन दिस केस ये आपका हेल्प करेगा बहुत सारा। सपोज मैं इतना तक स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूँ, तो मुझे माउस को यूज करके एक एरिया सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, आप देख सकते हैं ग्रीन कलर का एक ऑप्शन आ रहा है। तो इसमें अगर आप क्लिक कर लेते हो, देखिए मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे, देखिए क्या रिजल्ट मिलेगा आपको। देखिए और एक दूसरा विंडो ओपन हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो अभी अगर आप देख सकते हैं ये जो अभी ओपन हुआ है, ये फिजिकली आप इसको सेव इमेज आज करके डेस्कटॉप में या कोई भी आपका लोकेशन में सेव कर सकते हैं, जो कि फिजिकली सेव हो जाता है। सपोज मैं डेस्कटॉप में अभी सेव कर रहा हूँ इसको, कोई भी डाउनलोड करके सेव कर लेते हैं इसको। अभी देखिए ये जो स्क्रीनशॉट है वो फिजिकली आपका डिवाइस में सेव हो गया, आप इसको डायरेक्टली अटैचमेंट कर सकते हैं। लेकिन और कभी कभी क्या बोलता है कि अटैचमेंट का कुछ ऑप्शन नहीं होता है, लेकिन स्क्रीनशॉट देने के लिए बोलता है। तो इस केस में आपको क्या करना है, सिंपली देखिए यहाँ पर ब्राउजर में जाइए, यहाँ पर देखिए एक स्क्रीनशॉट जनरेट हो गया है, मतलब एक लिंक जनरेट हो गया ऑलरेडी। तो अगर आप ये लिंक को कॉपी कर लेते हैं और कहीं पर पेस्ट कर लेते हैं, कोई अगर ये लिंक को मिल जाएगा किसी को, तो अगर वो लिंक को क्लिक करेगा तो ये वाला अभी ओपन हो जाएगा। देखिए मैं अभी ये लिंक को कॉपी कर लेता हूँ और एक ब्राउज़र ओपन करके टेस्ट कर लेते हैं। तो अभी ये लिंक को पेस्ट कर दिया, तो अभी अगर मैं इसको एंटर करूँगा, देखिए वो वाला इमेज जो है इंटरनेट में ऑलरेडी सेव हुआ है। देखिए ये वाला अभी ओपन हो गया, मतलब ये जो स्क्रीन्स का हमारा जो स्क्रीन का जो ऑनलाइन लिंक है वो जनरेट हो गया एक टाइम में, मतलब फिजिकली भी जनरेट हो रहा है और आप अगर देखेंगे तो डायरेक्टली भी थ्रू इंटरनेट भी एक स्क्रीनशॉट जनरेट हो गया, जो कि ऑटोमेटिकली सेव हो गया आपका लाइट शॉट का जो क्लाउड सर्वर है इसमें सेव है। तो कोई अगर आप किसी को ये वाला लिंक दे देते हो, तो अगर इसको ओपन करेगा तब भी इसको इस स्क्रीनशॉट का पिक्चर मिल जाता है। तो ये था बहुत ही आसान तरीका, आप इसी तरह से आप खुद का
स्क्रीनशॉट बना सकते हो, डायरेक्टली आप इसको क्लिक करके भी कर सकते हो, नहीं तो आपका डेस्कटॉप में जो प्रिंट स्क्रीन का ऑप्शन है अगर इसको भी आप क्लिक कर लेते हो डायरेक्टली ओपन हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे भी सिलेक्ट एरिया हो जाएगा। अगर प्रिंट स्क्रीन को आप यूज करते हो कीबोर्ड का तब भी सेम प्रोसेस में आप कर सकते हो, सेम आप यहाँ पे देखिए कर सकते हो। इसके बाद ये वाला स्क्रीन ओपन हो गया और स्क्रीनशॉट हो गया, तो इसको आप सेव कर सकते हो फिजिकली। और इसके बाद अगर आप ऑनलाइन लिंक जनरेट करना चाहे तो सेम प्रोसेस में आप इसको अगर क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पे ऑनलाइन स्क्रीनशॉट का लिंक जनरेट हो रहा है। ये सेकंड प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ, यूजिंग कीबोर्ड भी आप कर सकते हो, एक्सटेंशन को यूज़ नहीं करके भी कर सकते हो, लेकिन आपका जो स्क्रीनशॉट का जो एक्सटेंशन लोडेड होना चाहिए। देखिए अभी ये वाला जनरेट हो गया, तो देखिए अगर आप इसको भी कॉपी कर लेते हो तो सेम थिंग है, तो आप अगर यहाँ पे इसको पेस्ट करके चेक भी कर सकते हो कि वही वाला अभी इमेज ओपन हो जाएगा। तो अगर आप इस तरह से आप कोई भी स्क्रीनशॉट का ऑनलाइन और फिजिकल मोड में एक साथ स्क्रीनशॉट का जो लिंक है वो जनरेट कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू व्हेन यू आर गोइंग फॉर माइक्रो वर्क साइट्स जस्ट लाइक माइक्रो वर्कर, पिको वर्कर एंड रैपिड वर्कर ETC। दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, सो यू कैन गो थ्रू और यू कैन फॉलो दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप यू आर ऑल सेफ एट होम, होप फॉर ए गुड इनकम फॉर यू। थैंक यू।